पश्चिमी वेपन की नई खेप से आक्रामक हुआ यूक्रेन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। डोनेस पर यूक्रेन का रॉकेट से बहुत बड़ा अटैक। राहुल विद द विजुअल्स। डीपीआर की राजधानी पर ग्रेनेड लॉन्चर से दागे गए 8 प्रोजेक्टाइल। ब्रेकिंग का म्यूजिक रखिए। यूक्रेनी हमले में रिहायशी इमारतों और कारों को भयंकर नुकसान। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये सारी खबरें आपके सामने आ रही हैं, तीनों खबरें देखिए और किस तरीके से क्रीमिया पर अटैक किया गया है, किस तरीके से हाइमार्स को काउंटर किया गया है। इस सब के बीच में आइए जरा की ग्राफिक्स में आपको दिखाता हूं जो मेरे पास जानकारी आ रही है उसमें क्या है। अभी कुछ ही क्षणों में मैं जाऊंगा हमारे साथ। ये देखिए अब आप, डोनेस पर रॉकेट अटैक। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले डोनेस पर रॉकेट से हमले किए हैं, ये जानकारी आ रही है। स्थानीय अधिकारियों का कई रॉकेट लॉन्चर्स के इस्तेमाल का दावा आ रहा है। डीपीआर की राजधानी में यूक्रेनी हमले में कम से कम 5 ब्लास्ट की रिपोर्ट है। यूक्रेन ने डीपीआर पर BM-21 ग्रैड लॉन्चर से 8 प्रोजेक्टाइल दागे हैं। यूक्रेनी हमलों में रिहायशी इमारतों और कारों को नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेन के खिलाफ नई मिसाइल उतारने जा रहा है रूस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। आर्मर पियर्सर मिसाइल के वॉर में इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। रूस के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी का दावा। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दिखाता हूं मैं आपके पास। मैं चाहूंगा इसके कुछ विजुअल्स भी लगा दीजिए यहां पर। अब की बार रूसी कवच भेदी मिसाइल, ये देखिए यूक्रेन वॉर में अब S-80FP मिसाइल का इस्तेमाल करेगा रूस। ये जानकारी हमारे पास आ रही है, ध्यान से देखिए। S-80FP को आर्मर पियर्सर यानी कवच भेदी कहा जाता है। ये पुतिन ने हाई पावर मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा है। फिर मिसाइल को इसी साल यूक्रेन के खिलाफ डिप्लॉय कर दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर दोनों से संभव है, यह जानकारी आ रही है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, रूस में वैज्ञानिकों की गिरफ्तारी पर खुली बगावत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। वैज्ञानिकों की धमकी, कार्रवाई नहीं रुकी तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। विद द विजुअल्स, 10 महीने में हाइपरसोनिक प्रोग्राम से जुड़े 4 वैज्ञानिक गिरफ्तार हो गए हैं। साइबेरियन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के अरेस्ट पर बवाल। साथ ही वैज्ञानिकों ने क्रेमलिन के नाम लिखी खुली चिट्ठी। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पुतिन के मिसाइल साइंटिस्ट जो हैं वो बागी हो गए हैं, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। कितनी सही बात है जानेंगे। रूसी सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम ठप पड़ने के कगार पर आ चुका है। प्रोग्राम से जुड़े 4 टॉप वैज्ञानिकों को देशद्रोह के आरोप में जेल है। ये 4 साइंटिस्ट साइबेरियन इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे। हाइपरसोनिक प्रोग्राम से जुड़े वैज्ञानिकों की क्रेमलिन को चिट्ठी। वैज्ञानिकों ने FSB की कार्रवाई तुरंत रोकने के लिए कहा है। वैज्ञानिकों ने चेताया पूरा मिसाइल प्रोग्राम ठप पड़ जाएगा। रूस पर संकट, यूक्रेन ने पिछले दिनों रूसी अकाट मिसाइल किंजल को गिरा दिया है। ऐसे वक्त में रूसी वैज्ञानिकों को जेल में डालने पर सवाल हो रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ जल चतुर्वेदी सर मौजूद हैं। सर, क्या ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपोगंडा है या आप इसमें कुछ सत्य देखते हैं? देखिए, 3 चीजें इसमें आप गौर कीजिए। नंबर 1, पहली आपने न्यूज दी जो S-80FP को जो उन्होंने लॉन्च किया है, इसका मतलब जो काउंटर ऑफेंसिव वो करने जा रहे हैं यूक्रेन, उनके टैंक्स को पहले से उड़ाने की तैयारी हो गई है। तो ये जो जैवलिन का काट आ गई। दूसरा आपने बताया कि क्योंकि उन्होंने साइंटिस्ट को गिरफ्तार कर लिया, तो ये मुझे इसमें थोड़ी सच्चाई कम दिखती है, क्योंकि अगर आपने साइंटिस्ट को गिरफ्तार कर लिया तो ये मिसाइल कहाँ से आ रही है? किंजल ठीक है, उन्होंने कोई गिरा दी, पेट्रियट आ गई, इसलिए उन्होंने कर दिया। लड़ाई में ऐसा होता है,
लेकिन उसी के अगली खबर जो आपने दिखाई कि आज उन्होंने पेट्रियट को भी डैमेज कर दिया, उन्होंने हाइमर्स को भी डैमेज कर दिया, इसका मतलब ये वेस्टर्न मीडिया का जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो बहुत एक्टिव है। आप जो बता रहे हैं वेस्टर्न मीडिया का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत एक्टिव है, ये आप बिल्कुल ठीक है।